भाई ये क्या आप लोगों का क्या फेस्टिवल है ये? आज का ये जो ब्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ डिमा आसाम ट्राइब का जो बुसुडीमा फेस्टिवल है वो देखने के लिए, जो कि लाबिंग PWD होने वाला है। तो रात को मैं जाऊँगा वीडियो बुसुडीमा फेस्टिवल देखने के लिए, उधर क्या क्या डांस होता है और उन लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट है पूरा वीडियो में आप लोग को दिखाना पड़ता है, बुसुडीमा फेस्टिवल किस लिए मनाए जाते हैं वो सब आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सो बेसिकली बुसुडीमा डिमासा लोगों का एक इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये जो फेस्टिवल है ना ये तीन टाइप का होता है, जो डिपेंड करता है कि कितना दिन के लिए वो सेलिब्रेट हो रहा है। तीन दिन के लिए जो सेलिब्रेट होता है ना उसको कहते हैं बुसुजीरा, और पाँच दिन के लिए जो होता है उसको कहते हैं सुरेम, और कभी कभी ये सात दिन के लिए भी सेलिब्रेट होता है। तो सात दिन के लिए जो सेलिब्रेट होता है उसको कहते हैं हंगसेओ बुसु, और ये जो डांस अभी ये लोग कर रहे हैं ना इसको बेसिकली कहते हैं बाइडीमा डांस। तो लामनिंग में बुसुडीमा फेस्टिवल पहला बार देख रहा हूँ, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इन लोग का जो ट्रेडिशनल क्लॉथ है, ये जो अभी ड्रेस पहन के ये लोग डांस कर रहे हैं ना, ये उन लोग का एक ट्रेडिशनल क्लॉथ है बुसुडीमा में, ये लोग ट्रेडिशनल क्लॉथ जो कि हैंडमेड है। तो ये लोग ये ट्रेडिशनल क्लॉथ भी अपने कम्युनिटी में इसको गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को। तो लामनिंग में हर एक कल्चर का फेस्टिवल होना बहुत ही अच्छा बात है। तो लामनिंग में पहला बार मैं देख रहा हूँ बुसुडीमा फेस्टिवल, क्योंकि मैं बाहर में होता था बट लामनिंग में कभी देखा नहीं हूँ। तो चलिए थोड़ा देख लेते कि बुसुडीमा फेस्टिवल क्या है, और एक आंटी हम पहचान का है तो उनसे थोड़ा पूछ लेंगे कि बुसुडीमा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक्चुअली आप लोग किस पर मनाए थे? हम लोग पहले से हम लोग का राजा का दिन से ये सब चलता ना। अच्छा। हम लोग का तो हम लोग का धीमा राजा था, तब से हम लोग को जो ये नियम नीति देखी गया ये नियम स्थिति तो हम लोग तो हर एक साल करने का। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब आप लोग का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। अच्छा, तो लामनिंग में तो ये पहला बार होगा? पहले बार ना, दो साल हो गया। अच्छा, PWD में होता है ना? हाँ। सो आंटी ने जैसे कहा कि ये फेस्टिवल जो है डिमासा राजा लोग जब था तब से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, और ये लोग जो अभी डांस कर रहे हैं ना इसे कहते हैं बाइडीमा डांस। तो बाइडीमा डिमासा लोगों का एक कल्चरल फोक डांस है। सो देखिए ये लोग मतलब फेस्टिवल जब चलता रहता है ये लोग जब डांस वांस करते हैं तब साइड में वो लोग आग जलाते हैं, तो कि बहुत ही मतलब स्पेशल लगता है। और ये देखिए ये जो बाजार है ना इसको कहते हैं मूरी। सो ये मूरी जो है ना ये भी उन लोगों का डिमासा लोगों का एक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। बुसुडीमा फेस्टिवल में जब ये डांस परफॉर्म होता है तब ये मूरी वो लोग बजाता है, जो कि एक बांसुरी टाइप सा है, बट ये कंटिन्यू प्ले होता है जब तक डांस चलता रहता है। तो सो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए डिमासा कल्चर का भी हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये लोग भी बहुत मतलब अपने ट्रेडिशन को आगे ले जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता है, तो इसीलिए ये फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो लामनिंग में PWD में ये फेस्टिवल होता है, तो लामनिंग में बेसिकली इस बार ये लोग ने एक दिन के लिए किया है, बट जो बुसुडीमा होता है ना वो तीन चार दिन, तीन दिन पाँच दिन सात दिन के लिए होता है। तो लामनिंग में अगर आप मिस कर दिए बुसुडीमा फेस्टिवल देखना, तो नेक्स्ट टाइम लामनिंग PWD में आके ज़रूर देखिएगा कि बुसुडीमा फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है, और ये लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ अरेंज किया है। तो और मेरा ये वीडियो कैसा लगा करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।